Thank you for sparing your most precious time with us. I am Ansh Agrawal, student of class 12, and I would like to ask you that, sir, over the years, the number of recruitments in the National Defence Academy has decreased. So, what, according to you, are the reasons behind it? Has decreased? Yes, sir. Decreased. Not really. You see, the fact of the matter is that we aspirants ki koi kami nahi hai. एस्पिरेंट्स की कोई कमी नहीं, लाइन लगी है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट नहीं करते, इवन इफ वी हैव टू फॉल शॉर्ट, बिकॉज लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी जो होती है, अगर वो टूट जाए तो पूरी चेन टूट जाती है, ठीक है, और लड़ाई के मैदान में चीन या पाकिस्तान के सामने हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपना स्टैंडर्ड्स नहीं गिरा रहे। हमको प्रॉब्लम यह है कि जो अच्छे लड़के हैं स्कूलों के, स्पोर्ट्समैन, पढ़े लिख में तेज ऑलराउंडर्स, वो अब उतने नहीं आ रहे जितने मेरे टाइम में आ रहे। बेस्ट स्कूल्स के बेस्ट बॉयज मेरे टाइम में आपने इंडिया में देखे हैं, चाहे लॉरेंस स्कूल्स हैं, सेंट पॉल, दार्जिलिंग, सेंट कोलंबस वगैरह वगैरह वगैरह, जो टॉप स्कूल्स थे उसके बच्चे वहाँ भरे होते थे। आजकल वो सॉफ्टर जॉब्स पे जा रहे हैं, आजकल जनरेशन थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, वो एक तो घर नहीं छोड़ना चाहते, मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहते, तो फौज में आपको दूर दराज जाना होगा। वी नीड गुड चिल्ड्रन, तभी मैं जब भी मौका मिलता है स्कूल कॉलेज जाने का मैं जाता हूँ, ताकि मैं आप जैसे बच्चों से डायरेक्टली बात करूँ और आपको बताऊँ कि मिलिट्री से अच्छा दूसरा करियर आपको नहीं।